गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पोएम नंबर 5, द बॉल पोएम। एंड एज द नेम इंडिकेट ऑफ दिस पोएम द बॉल पोएम, कि पोएम जो कि एक बॉल को लेकर के, कि एक बच्चा है और वो अपनी उस बॉल को खो देता है, वो बॉल उससे गुम हो जाती है, तो उसको लेकर के जो है किस तरह से दुखी है, परेशान है, ये उस चीज को लेकर के बात करती है। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम जॉन बैरी, हु वाज बोर्न इन 1914 एंड डाइड इन 1972, एंड ही वाज एन अमेरिकन पोएट। और अगर हम बात करें कि जॉन बैरीमैन जो रहा है, जो पोइट है, उसका सब्जेक्ट मैटर अपनी पोइट्री को लेकर के, दूसरे राइटिंग्स को लेकर के क्या कुछ रहा है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ एंड हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि उसने अपने जीवन के अनुभवों को लेकर के, उसका जिस तरह से जीवन बीता है, उसने जो कुछ अपने जीवन में सीखा है प्रैक्टिकली, उन चीज़ों को लेकर के उसने जो है अपनी पोइट्री में, अपने राइटिंग्स में उन चीज़ों को इंक्लूड किया है। एंड लेटर ऑन In his life, he explored his spiritual rebirth. Spiritual rebirth, जिस आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, कि पर्सन को जब सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है किस तरह से ये लाइफ है, और अल्टीमेटली लाइफ में किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को हमें लेना चाहिए, कि किस तरह से चीज़ें घटित होती हैं, तो वही जो है ये चीज़ें दिखाती हैं उसका झुकाव रिलीजन की तरफ, कि दैट ही हैड अ फेथ इन रिलीजन, उस चीज को जो है उसने अपने सब्जेक्ट मैटर के थ्रू और जो है बताया। बात करते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल, कि दैट अ बॉय हू हैज लॉस्ट हिज बॉल इज वेरी सैड, इज इन ग्रीफ। लेकिन अगर हम डीप लेवल पे बात करें कि पोएट वास्तव में क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्योंकि जो पोएट्री है दैट इज नॉट ऑलवेज व्हाट इट इज रिटन डायरेक्टली, इट ऑलवेज हैज अ हिडन मीनिंग। तो यहाँ जो इसका हिडन मीनिंग है, जो पोएट कन्वे करना चाहता है, दैट इज दैट ए पर्सन मस्ट लर्न हाउ टू कॉप अप विद द लॉस, कि जो लॉस है वो एक लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई भी व्यक्ति उस चीज से बच नहीं सकता, कि दैट दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, सभी के पास कुछ ना कुछ चीजें हैं, और व्यक्ति जो है उन चीज़ों के साथ इमोशनली सेंटिमेंटली जो है अटैच्ड होता है, लेकिन जब वो चीज़ें उससे छूट जाती हैं, वो चीज़ें खो जाती हैं, उससे पिछड़ जाता है, तो उसे जो है काफ़ी दुख होता है, परेशानी होती है। तो यहाँ इस पोएम के थ्रू इसी तरह की पोएट जो है वो बात करता है, लेकिन हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि दैट इज़ ऑनली ए पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, ना कि उन चीज़ों को हम पकड़ करके बैठे रहें जिनके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल नहीं है, जिनको लेकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते रहे अपनी पिछली पोएम्स में राइम स्कीम की, बट हियर इन दिस पोएम देयर इज नो राइम स्कीम, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय दिस पोएट इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इट मींस किसी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया है, जैसे उसको अपनी जैसे अच्छा लगा उस तरीके से उसने उन चीजों को लिख दिया है। लेटर ऑन वी टॉक अबाउट द लिटरेट डिवाइस, की हाउ डिफरेंट लिटरेट डिवाइस have been used here in this poem. Well, now, come to the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So, first line mein hi jo hai poet ek question put karta hai ki wo ladka ab kya karega? अब उसकी स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। अब पोएट कहता है, आई सॉ इट गो, कहता है मैंने भी देखा उस बॉल को जाते हुए, मैरली बाउंस, बड़े आनंद लेते हुए, अच्छे तरीके से जिस तरह से हम बॉल को फेंकते हैं वो बाउंस करते हुए और उछलते हुए जो है वो बॉल डाउन द स्ट्रीट चली जा रही है, और उसके बाद फिर वो उसी तरह से उसी पोजिशन में मैरली पानी के अंदर चली जाती है। यानी कि ये जहाँ का एक सीन है, एक हार्बर की बात की गई है, जहाँ शिप्स वगैरह होते हैं लोड और अनलोड किए जाते हैं, तो वहाँ जो समुद्र का पानी और है उस पानी में वो बॉल चली जाती है, और वहाँ उस जगह से उस बॉल को रिकवर करना बेहद मुश्किल है, उस चीज़ को रिकवर नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि यहाँ जिस तरह की जो बात की गई उसके थ्रू वो ये कहना चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम रीगेन नहीं कर सकते, उन चीजों को हम वापस नहीं पा सकते। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रेन फिक्सेस द बॉय,
As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो पोइट कहता है ये बात उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, उसे कोई यूज नजर नहीं आता है कि जाकर उस बच्चे को ये बताए कि यहां दूसरी और बहुत सारी बॉल है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एक बॉल खो गई है तो तुम दूसरी बॉल नहीं ले सकती या तुम्हें दूसरी बॉल जो है नहीं मिलेगी। कहता लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं। और वास्तव में अब जो लड़का है वो किस स्थिति में है कि पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ है, कांप रहा है, स्टैंड का जहां जिस जगह खड़ा हुआ है बिल्कुल रिजिड होकर के खड़ा हो गया है और नीचे वहां उस तरफ स्टेयर किए जा रहा है जहां उसकी वो बॉल चली गई है। हार्बर के पास में जो वाटर है जहां उसकी बॉल चली गई है वहां वो लगातार घूमे जा रहा है, उस जगह पर ही खड़ा हुआ है। और वहां एक जगह खड़ा होना, उसकी तरफ देखे जाना और जो चीजें बात की गई, इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ हिज ग्रीफ, कि वो वास्तव में कितना दुखी है। उस दुख की गहराई को दर्शाने के लिए पोइट ने इस तरह के वर्ड्स का यूज किया है। कहता है, वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थ लेस। और कहता है मैं उसकी इस स्थिति में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, बिल्कुल भी उसको ये बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि दूसरी बॉल भी ली जा सकती है या एक बॉल को खो देना पूरी तरह से वर्थ लेस है, यानी कि बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने जो है इस तरह से ऐसा कुछ खो दिया। Now, he senses first responsibility in a world of possessions. ये जो world है, इसे world of possessions कहा गया है कि that we get a lot of things all around us, whether they are the materialistic ones or they are in the relations. यानी कि हर एक व्यक्ति जो है उसके पास काफी सारी चीजों का ढेर लगा होता है, चाहे वो materialistic चीजें हैं या उसके अपने सगे संबंधी हैं जिनके साथ उसका अपना एक रिश्ता नाता होता है। तो कहता है यहां ये बॉल खो देना उस बच्चे के लिए फर्स्ट स्टेप है जहां वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेगा, कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फर्स्ट सेंस होगी कि मुझे किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनना है या मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। कहता है पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। कहता है लोग बॉल खरीदते हैं, बॉल लेते रहते हैं लोग, और बॉलें जो है वो खो जाती हैं। छोटे बच्चे को उसको समझाने उसको कहता नहीं है, लेकिन वो अपने आप से ये कहते हैं कि मैं उसको बताऊंगा नहीं ये चीज, लेकिन ऐसा है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि ऐसा होता है। एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, और कोई भी जो है उस बॉल को वापस नहीं खरीदता। यानी कि यहां आप इस बॉल को लेकर कुछ इस तरह की बात की जा रही है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन चीजों को हम वापस नहीं पा सकते, यानी कि वो चीजें हमें लाइफ में एक ही बार मिलती हैं और अगर एक बार हमने उस चीज को खो दिया तो वी लॉस्ट इट फॉरएवर, कि हमेशा के लिए ही हमने उस चीज को खो दिया है, कोई ऐसा चांस नहीं होता कि हम उस चीज को रीगेन कर सके। मनी इज एक्सटर्नल हिज लर्निंग। कहता है मनी जो है वो एक एक्सटर्नल चीज है, वो एक अलग चीज है, वो चीज मैटर नहीं करती है यहाँ। यानी कि जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि पैसा एक आनी जानी चीज है, तो यहाँ जो है इस मनी इज एक्सटर्नल ये चीज बता करके वो यही बताना चाहता है कि मनी यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रखता है किसी तरह से भी, मनी की वो वैल्यू नहीं है। कहता है ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। और कहता है जो सबसे जरूरी चीज है कि उसकी वो जो निराश आंखें हैं, जो उसमें निराशा झलक रही है उनके पीछे, कि वो उस लॉस की एपिस्टेमोलॉजी, कि वो जो किसी भी चीज को खो देने का जो दुख है दर्द है उस चीज में कैसे स्टैंड अप हुआ जाए, उस चीज से कैसे उभरा जाए, कैसे उस स्थिति से आगे बढ़ा जाए, वो सारी चीजें वो सीख रहा है। ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up. और कहता है ये वो चीज जो हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए कि एक दिन हम सबको ये चीजें सीखनी है कि किस तरह से जो है इस तरह की परेशानी से बाहर निकला जाए, किस तरह से उभरा जाए। और यहाँ अब हम बात करें कि ये जो बॉल है ये वर्ड यूज किया गया है फॉर द चाइल्ड हुड एंड इट्स इनोसेंस, कि जो बचपन है और जो उसके साथ इनोसेंस जुड़ी हुई है, मासूमियत जो जुड़ी हुई है, तब पोएट हैड लॉस्ट इट, यानी कि व्हेन ही हैड ग्रोन अप, कि जब वो बड़ा हो गया है। और इस तरह से एक लाइफ प्रोसेस है, सभी के साथ ऐसा होता है कि जो छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब उसका अपना जो चाइल्डहुड है उसके चाइल्डहुड के जो जॉयज हैं वो सारी चीजें जो लॉस्ट हो जाती हैं, तो उसको लेकर के पोएट यहाँ बात करता है कि वो सारी चीजें उसे अपने जीवन में बेहद पसंद थी, बेहद प्यारी थी, लेकिन अब वो सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं। और वापस वो कुछ भी कर ले, चाहे कितना ही पैसा खर्च करे, जो मर्जी करे, लेकिन अपने उस बचपन को, उस इनोसेंस को,
उन चीजों को रीगेन नहीं किया जा सकता, उन चीजों को वापस नहीं पाया जा सकता। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र वो तरीका है कि हम अपने आप को खुश बनाए रखें, बजाय इस तरह की चीजों को लेकर के दुखी हो, रोए, परेशान हो। तो वो चीजें जो है यहाँ कोई बताता है, और ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल रिवर्थ। वी कैन से ये सारी चीजें व्यक्ति को तब समझ में आती है जब वो स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो करता है कि वास्तव में ये संसार जो है दैट वी आर लूजिंग एवरी मोमेंट एवरीथिंग, हर पल हम जो है हर चीज को अपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वो चीजें हमसे खोती जा रही हैं, उन चीजों को वापस नहीं पाया जा सकता। तो दिस लेसन द पोएट वांट्स टू कन्वे टू एवरीवन कि दैट वी शुड ट्राई टू स्टैंड अप इन आवर लाइफ अगेंस्ट द लॉसेस, कि जो लॉस हो जाता है, जो चीजें हैं, उन चीजों के अगेंस्ट में हम कैसे अपने आप को खड़ा करें, किस तरह से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें, और किस तरह से इस तरह की चीजों को लेकर के कभी भी परेशान या दुखी ना हो। वेल नाउ टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड हियर इन दिस पोएम, द एलिटरेशन, द वेरी फर्स्ट वन, वेरी कॉमन, इवन इन अर्लियर पोएम्स आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट दिस इज अ वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस। जहां कहीं भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन नजर आए, एलिटरेशन, और यहां इसमें काफी है। मेटाफर के जो यूज की बात की गई है, जो लड़के की जिस बॉल की बात की जा रही है, जब द बॉयज बॉल, वो अपने आप में एक मेटाफर का यूज किया गया है, क्योंकि यहां जो बॉल है दैट इज अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, यानी कि जो मेटलिस्टिक बॉल है उसकी बात ना करके वो एक जो है इनडायरेक्टली बात करना चाहता है चाइल्डहुड की और उसकी इनोसेंस की, अपने उस बचपन के उन दिनों की उन चीजों की। तो दिस पॉइंटिंग डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। रिपीटेशन की, जहां आपका वर्ड रिपीट हो, एंड हियर इन दिस पोयम अगर हम स्टार्टिंग की ही बात करते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही डू, कि व्हाट जो वर्ड है वो यहाँ तीन बार रिपीट हो चुका है। इसी तरह से आगे और काफी सारे ऐसे वर्ड है जो रिपीट हो रही है, तो दैट्स व्हाई रिपीटेशन इज आल्सो हियर, रिपीटेशन ही यहाँ है। और राइम स्कीम मैंने आपको बता दिया है कि दैट दिस पोएम हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स, कि किसी राइम स्कीम को, किसी पैरामीटर को पोएट ने फॉलो नहीं किया है, उसने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे उसको जो अच्छा लगा, चाहा जिस तरह से जिन वर्ड्स को एडजस्ट करना चाहा, उस तरीके से उन चीजों को एडजस्ट किया गया है। सो गो थ्रू दिस पोएम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम एंड द मैसेज ऑफ दिस पोएम, जो पोएट कन्वे करना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कुछ सीखें, किस तरह से ग्रो करें, वो सारी चीजें आप पढ़ें। क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है, थीम, मैसेज, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।